निक की स्किन जितनी खराब हालत में थी, मैंने इतनी खराब हालत किसी कुत्ते की देखी नहीं आज तक। इसे था तो मेंज, पर उसमें फिर बैक्टीरिया और फंगस का भी इन्फेक्शन हो गया। फिर इसके घाव में मैगट्स पड़ गए। तो जब ये आया तो सबसे पहले तो हमने इसको मेडिकेटेड शैम्पू के साथ नहलाया, उससे इन्फेक्शन भी हटता है और जो माइट्स होते हैं जिनकी वजह से मेंज होता है वो माइट्स भी हट जाते हैं। इसको आइवरमेक्टिन के इंजेक्शन लगते रहे और इसकी पट्टी भी चलती रही ताकि जो इसके घाव हैं वो धीरे धीरे भर जाए। अब क्योंकि ये सड़क पे नहीं था, यहाँ एक सेफ जगह पे था, तो इनका स्ट्रेस भी कम था, तो उससे भी थोड़ा इस पे फर्क पड़ने लगा। और फिर वक्त पे खाना ही मिल जाए ना तो इनके लिए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। अब जब सर्दियां शुरू हुई तो हमने इसको स्वेटर पहनाना शुरू किया, बाल तो इसके थे नहीं। रात को अब इसको खुली कैनल में नहीं, हम इसको क्लिनिक के अंदर रखते थे और साथ में इसको हॉट वाटर बॉटल भी दे देते थे और सॉक्स भी चढ़ा देते थे। अब ये जब यहाँ आया था ना तो बड़ा दुबका सा था और किसी से बात वगैरह करता नहीं था ज़्यादा ये, पर जैसे जैसे ठीक होने लगा तो थोड़ा ये खुलने लगा। इसकी थोड़ी चार्ली से दोस्ती हुई, थोड़ी मीमी से दोस्ती हुई, पाब्लो से भी इसने दोस्ती कर ली, वॉलेंटियर से भी इसने दोस्ती कर ली, यहाँ तक संजू जो किसी को देख के राजी नहीं है उससे भी इसकी दोस्ती हो गई। अब जहां से हम इसको लाए थे वहीं छोड़ आते तो कुछ टाइम में वापस इसकी वही हालत हो जाती जिस हालत में यहाँ आया था। और जरूरी नहीं ना कि इस बार भी कोई हमें इसके बारे में कॉल करता, पर हम यहाँ इसको रख भी नहीं सकते क्योंकि हम क्लिनिक है, यहाँ तो जानवर आते हैं उनका इलाज होता है वो जाते हैं। शिकागो में एक इंटरनेशनल स्ट्रीट डॉग फाउंडेशन करके नॉन प्रॉफिट है, हमने उन्हें कांटेक्ट किया तो उन्होंने, वो मान गए, उन्होंने कहा आप यहाँ भेज दो, हम इसको यहाँ घर ढूंढ देंगे। तो फिर हमने फंड रेजिंग चालू की। जब फंड रेजिंग हुई, फ्लाइट वगैरह बुक हुई तो निक साहब तब शिकागो पहुंचे। पहुंचने के 48 घंटे में ये वहां पे अडॉप्ट हो गया। अब देखिए 4 साल इसने यहाँ सड़क पे धक्के खाए होंगे और अडॉप्ट नहीं हुआ, पर वहां पे 2 दिन में ये अडॉप्ट हुआ। वो जो मुहावरा है ना कि हर कुत्ते का दिन आता है, शायद वो निक के लिए ही बना था। Say hi to everybody at People Park. Say hi.